अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ चंचल कुमार। इस वक्त हम मधेपुरा में, हरिया मधेपुरा जिला का मूलगंज नगर पंचायत क्षेत्र का काशीपुर वार्ड 1 और 3 का सीमा है। और ठीक आप देख रहे होंगे ये सड़क है और यह बड़ी हुजूम जो देख रहे हैं आज एक बड़ी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, वो भी ये अपनी गलती से नहीं बल्कि बिजली विभाग के लापरवाही के खिलाफ ये एक बड़ी गलती का शिकार हो जाते, शायद ये जान से भी हाथ धो बैठते। लेकिन इनकी किस्मत ठीक थी कि ये लोग बिजली की चपेट में आने से बच गए। हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह बिजली के खंभे, हमारे सहयोगी दिखाएंगे कि किस तरह बिजली के खंभे गिरे हुए हैं। और यह सुबह का हादसा बताया जा रहा है जब बिजली के तार जो है एकाएक खंभा जंग लगने की वजह से गिरने लगा। जैसे ही लोगों ने देखा हताश की किसी तरह अफरा तफरी के बीच वो यहाँ से भाग निकले। लेकिन जो स्थिति रही होगी, क्या भयावह स्थिति रही होगी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ जो मजदूर काम कर रहे थे वो भी मतलब एकाएक हक्का बक्का रह गए किसी तरह वो भागने में। नई पोल है, नया हम सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाए कि नया पोल है और किस तरह एक पुराने पोल के गिरने की वजह से कई बिजली के खंभे जो है गिर गए। यहाँ पर लेबर मजदूर जो है काम कर रहा था और वो किसी तरह हताश, आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह जो है घटना हुई है। और भी हम दिखाएंगे यह जो पूरा कारण हुआ है, किस कारणों से हुए है। हम चलते हैं, दिखाते हैं कि आप जो बिजली विभाग की जो लगातार जो गलतियां हैं वो किस तरह है कि वो कई बार यहां के लोग इसको लेकर आवेदन दे रहे थे कि वो इस चीज़ को देखे, कई बार आवेदन दिया गया है। लेकिन आवेदन के बावजूद ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह बिजली विभाग के लापरवाही के कारण आज कई लोगों की जान बच गई। कहा जा रहा है कि इसी खंभे के बारे में कहा जा रहा है कि जंग के कारण इसका जो पूरा निचला हिस्सा था वो जंग खा गया था। हम सहयोगी के माध्यम से दिखाएँगे कि जो स्थिति है, ये खंभा जो है दिखाएंगे सहयोगी से, बिल्कुल सर गया था, जिसके कारण आज सुबह जो ये दबाव था इस पे पोल पे, एक तो जंग खा गई थी, ऊपर से इतना ज़्यादा इस पर दबाव बना, इस दबाव करने के वजह से यह पोल गिरने लगा और इसके चपेट में आने से कई खंभे जो है बिल्कुल इसकी चपेट में आ गए। फिलहाल जो है किसी प्रकार के हताहत नहीं हुए, एक बड़ा दुर्घटना टल गया। लेकिन जो विद्युत विभाग की जो लापरवाही कही जाएगी कि कई बार आवेदन के बावजूद भी संज्ञान नहीं लेने की वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। फिलहाल यहाँ के स्थानीय लोगों में आक्रोशित है, यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे क्या हुआ था सुबह और क्या कुछ जो है लापरवाही हुई है। सर, ये दुकान केवाड़ी की दुकान है, इसमें 10-15 महिला काम करती है और 25-30 लेबर टेम्पू से काम करता है भंगार का। ये निकलने के क्रम में यहाँ से वहाँ तक टेम्पू लगा हुआ रहता है दुकान के अंदर। ये निकलने के क्रम में ये पोल बहुत 6 या 7 महीना से अप्लीकेशन दिया जा रहा है, ये पोल कारण अप्लीकेशन, ये कि बिजली विभाग अप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करने के कारण ये पोल गिर गया। गिरने का ये बहुत बड़ा भगवान का बहुत बड़ा देन है, ये बच गया, नहीं तो आज यहाँ 25 से 30 लेबर यहाँ पे डेट हो जाता है। तो ये जो इस पर ये जो पोल जो बार बार सर रही थी, इसको लेकर आप लोग विभाग को बता रहे थे इससे पहले कि नहीं? विभाग को 6 या 7 महीना से अप्लीकेशन दिया जा रहा है, सबको बोला जाए यहाँ का ये ग्रामीण सब मूर्ख है, ठीक ना, अप्लीकेशन लेके जाता है वहाँ ऑफिस लेकर जबरदस्त बता दिया। आइए, हम आक्रोशित हैं काफ़ी, इनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ दिक्कतें आ रही थी और क्या कुछ आज होने से बच गए। आज बहुत बड़का हादसा बचा है इसमें, इस गाँव में आज घर घर में चूल्ही नहीं जरता, मातम गिरता है। आज करीब करीब 50 आदमी मरने वाला था, वो तो अल्लाह था खैर किया कि बच गई, नहीं तो कुछ नहीं हुआ, जितना क्षति हुआ उसका क्षतिपूर्ति दिया जाए। सरकार ध्यान नहीं देते है बिजली बिल काटने के लिए, तुरंत जहाँ करुणा ने वहाँ करुणा, ये तो तुरंत होता। लेकिन जो बिजली का पोल बदलना चाहिए उस पर कोई संज्ञान, कहते 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 हम लोग हेहर हो चुके। लेकिन जो लोगों का जो आक्रोश है वो जायज है, जो स्थिति है जो आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, हमारे सहयोगी दिखाएंगे जो स्थिति है यहाँ की, बहुत दयनीय स्थिति थी, एक बड़ी घटना होने से बच गई है जिसके कारण यहाँ पे बाल बाल बच गए। अब इन लोगों का जो कहना है कि कई बार आवेदन के बावजूद भी जो है विभाग इस पर नज़र नहीं दिया, जिसके कारण यह बड़ा हादसा हुआ। तमाम खबरों के लिए बने रहे मधेपुरा के मुरलीगंज से, देखते रहे अनुभवी आंखें के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, चंचल कुमार। नमस्कार, मैं हूँ संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें, देश की बात सच के साथ। दोस्तों, अनुभवी आंखें पर आपका भरोसा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, यही वजह है कि अनुभवी आंखें आपकी पहली पसंद है। आपके हक हुकूक की लड़ाई के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं और इस मुहिम को बनाए रखने के लिए हमारा हौसला अफजाई भी आपका ही काम है। आप चैनल को अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उसे भूल जाइए, एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि सब्सक्राइब हो जाए, और घंटी बनी हुई है उसे भी टच कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी खबरों का
तुरंत मिल सके, आप अपने पसंदीदा चैनल को देख सके। आपके सब्सक्राइब करने के बाद निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम बेहतर तरीके से आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ पाएंगे। इस मुहिम से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए।